युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि के समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता एवं सन समाज विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन गोरखनाथ मंदिर स्थित स्मृति सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद बासवराज पाटिल ने कहा कि जो सफल जीवात्मा को प्यार करते हैं वही संत हैं, जो सभी जीवों को एक साथ सम्मान दे वही संत हैं, जाति पाति से ऊपर उठकर मानव को समानता का भाव दे वही संत हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सामाजिक भावना को न छोड़ें वही संत हैं। समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, रामानुजाचार्य, पुरंदरदास, रामानंद, मीराबाई, कबीर, रविदास, संत रामसुखदास, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ जैसे संतों ने सामाजिक समरसता के लिए न केवल स्वयं आगे आए बल्कि अपने जीवन में समरसता का भाव जगाए रखे तथा औरों को भी समरस होने की प्रेरणा दी। भारत में सामाजिक समरसता यदि कायम है तो इसका संपूर्ण श्रेय सन समाज को जाता है। गोरखपीठ तो अपने सामाजिक समरसता के लिए विश्व पटल पर जाना जाता है। देश की सभी समस्याओं के समाधान का मूल सामाजिक समरसता में निहित है। हम उस आध्यात्मिक संस्कृति के वारिस हैं जिसने कण कण में परमात्मा का वास तथा सभी प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश माना है। ऐसे में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद सहित नारी पुरुष, अमीर गरीब, ऊंच नीच जैसे भेदभाव हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। हम समरसता की शिक्षा परिवार से ही सीखते हैं। सामाजिक समरसता में ही हमारी संस्कृति का प्राण बसता है। सामाजिक समरसता के बगैर भारतीय संस्कृति की अधूरी एवं मृत प्राय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि हिंदू समाज को अपने व्यवहार से यह सिद्ध करना होगा कि हम दुनिया के श्रेष्ठतम समाज की पुनर्स्थापना में सक्षम हैं। दुनिया भौतिकता और आतंक से कराह रही मानवता भारत की ओर अपेक्षा भरी नज़रों से देख रही है। इस मौके पर कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ महाराज, हरिद्वार से पधारे महंत शांतिनाथ, अयोध्या से पधारे महंत धर्मदास, श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, बड़ौदा से पधारे महंत गंगादास महाराज, श्री बड़े भक्तमाल अयोध्या धाम से पधारे श्री अवधेश दास, देवीपाटन मंदिर तुलसीदास से पधारे महंत मिथिलेशनाथ, तपसीधाम हरैया बस्ती से पधारे स्वामी जयबख्शदास, अयोध्या से पधारे महंत राम मिलन दास, चचाई मठ से महंत पंचानन पुरी आदि मौजूद रहे। सायकाल साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के चौथे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ में व्यासपीठ का विधि विधान से पूजा अर्चना हुआ। व्यासपीठ से अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि जब मृत्यु का अधिकार शरीर पर हो जाता है तब आत्मा शरीर छोड़ देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति जिसका स्मरण करके प्राण त्यागता है पुनः उसी के रूप में पैदा होता है। मनुष्य का शरीर साधन है, यह साध्य कभी नहीं हो सकता, इसलिए शरीर को साध्य कर तप करना चाहिए। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी जीवन बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। संगोष्ठी के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य वक्ता पूर्व सांसद बासवराज पाटिल ने कहा, प्रकार महाराष्ट्र में संत रामदास नाम के एक व्यक्ति हुए, आज इस देश की रक्षा करने में छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ काम किए तो उसके लिए सहारा बने थे उनके 700 व्यायामशालाएं। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज अरायगढ़ में अपना किला बांधते हुए पहाड़ पर खड़ा होकर देख रहे थे कि हजारों लोग काम कर रहे थे। शिवाजी के मन में आया, देखो मैं कितना बड़ा राजा हूं, मेरे हाथ में हजारों लोग जी रहे हैं। लेकिन ये बात रामदास जी को मालूम होता है और वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो कहने लगते हैं, देखो शिवाजी महाराज तुम कितने बड़े हो, कितने लोगों को अन्न दे रहे हो, कितने लोगों को खाना दे रहे हो। ऐसे कहकर जिस पत्थर पर पैर रखकर शिवाजी महाराज खड़े थे, शिवाजी महाराज को कहते हैं जरा पत्थर के ऊपर से पैर निकालिए। वो अपना पैर निकाल लेते हैं और एक पत्थर फोड़ने वाले को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं इसको पत्थर को फोड़ो। जब वो पत्थर दो टुकड़ा होता है तो उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पानी और एक मेंढक, उसके दो बच्चे होते हैं। फिर संत रामदास जी कहते हैं, वाह शिवाजी,
कितने बड़े महान हैं। इस पत्थर के अंदर के इस मेंढक को भी तुम ही पानी दे रहे हो। तब शिवाजी महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है, मुझे अहंकार आ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा का अहंकार कोड़ने का काम किसने किया? तो वो संत ने किया, संत ने किया, संत ने किया। इसी प्रकार भारत के अंदर इस जात पात छुआछूत से ऊपर उठकर समाज को रूप देने का श्रेष्ठ काम अगर किसी ने किया तो दक्षिण भारत में एक रामानुजाचार्य नाम का संत थे, जिन्होंने इस परंपरा का एक शुरुआत का महापुरुष हम कह सकते हैं। अगर तिरुवल्लुवर नाम का आदमी तमिलनाडु में हुआ तो नारायण गुरु नाम का आदमी केरल में हुआ, महात्मा बसवेश्वर पुरंदरदास कर्नाटक में हुए, ज्ञानेश्वर संत तुकाराम ये महाराष्ट्र में हुए। वैसे ही उत्तर भारत के अंदर काशी को केंद्र मानकर रमानंद नाम के एक बहुत बड़े संत हुए, उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं, माँ मीराबाई उनके शिष्य माने जाते हैं और रविदास उनके शिष्य माने जाते हैं, तो इस प्रकार सूरदास उनके शिष्य माने जाते हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं समाज के लिए सोचते हैं, ऐसे ही लोगों को संत कहा जाता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम जैसे कहते हैं, वैसे ही सारी समाज का सुख सोचने वाला उसी को हम संत कहते हैं। इसके उसमें जो वहां का शासक था संता नाम के उसने पीर को भेजा करने, तो उनके बहुत से जो शिष्य हैं फॉलोअर हैं मानने वाले हैं वे सब मानो गए, कई दौर तक वर्ष गया। अंत में पीर संता हार मान करके रविदास के चरणों में गिर गया, कहा कि मैं आज आपका शिष्य हूं। इसीलिए कहा एक संत रविदास पर बारह बावन को इतने से थे, एक वर्ष श्रवण थे तमिलनाडु पैदा हुए थे, उनका आश्रम वहां था, उन्होंने सेवा कार्य इतना क्या सेवा कार्य किया कि ईसाई संतों द्वारा किया जाने वाला मताचरण का कार्य वहां बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो उन लोगों ने और उनके बारे में ज्ञान हो गया कि भरतमण तो रोज भगवान का दर्शन करते हैं, रोज वह भगवान का दर्शन करते हैं ऐसा पता हो गया। कुछ ईसाई संगठनियां और उनके लोग उनके पास आए, कहा मैंने सुना है कि आप लोग भगवान का दर्शन करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे भी दिखाएंगे। वो लोग आए थे वहां के पादरी आए थे, हमें भी दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। सवेरे आओ 8 बजे, सवेरे आ जाओ 8 बजे, उनको लेकर के उनके साथ में छोटी से आश्रम की बालिका खुद और वो पादरी दो लोग थे, जंगल के पकड़ी शुरू से जो बालिका थी महिलाओं के कपड़े कपड़े को साफ किया, भोजन पकाया, भोजन खिला करके खिलाया उनको अपने हाथ से, और कहा भगवान भगवान दादा है हम कल भी आपके यहाँ आए। उन पादरियों से कहा देखो यही मेरे भगवान है, कहा जाता है कि इनके स्वाद पर संपूर्ण धर्म कार्य करने वाला हाड़ी सिद्ध भी उनका शिष्य भी उनका शिष्य था, हाड़ी हाड़ी जो था वो भी गुरु गोविंद का शिष्य था।
एक तरफ महारानी और एक तरफ वो ग्रोह का करने वाला। महारानी ने अपने पुत्र से कहा कि जाकर के हाड़ी से तुम दीक्षा प्राप्त करो, तुम जो शिष्य बन करके दीक्षा प्राप्त करो। यही व्यवस्था पीठ देखिए सामाजिक संस्था के दिन में अनेक कार्यक्रम यहाँ पर मैं तो पिछले 4-5 वर्षों से यहाँ देख रहा हूँ। मेरा जन्मन यहाँ 64 वर्ष का है, 64 वर्षों में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सामाजिक संस्था के इतने कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए हैं। रणवीर महाराज जी, मध्यराज जी महाराज डोम के घर खाना खाए, हर दिन बच्चों का खाना खाए और उनके बेटे में मिल करके उनको सामाजिक पुनरुत्थान के लिए चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक का क्षेत्र हो, उन्होंने कार्य किया। वर्तमान महाराज भी आप देखे होंगे कि प्रकटिया है समाज से कटा हुआ था, उस समाज को उन्होंने मुख्य धारा में ले आए, उनको मतदान का अधिकार दिया, उनको शिक्षा की सुविधा दी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी। एक हाथे ने नहीं पर एक कुछ लोगों का एक आत्मिक आश्रम है, केंद्र है, उनकी शिक्षा ममता देवी के माध्यम से उन्होंने ध्यान किया। तो यह तो एक केंद्र है सामाजिक समस्या के दिशा में, ये केंद्र है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब तक मन समाज का मन नहीं सुनेगा तब तक सामाजिक समस्या का कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। चिंतन है सामाजिक समरसता और संतों का पात्र। वास्तव में देशों देश में जो एक बहुत बड़ा गरीब समाज होता है और छोटे छोटे जातियों में बिखरी हुई रहती है, उन्हें दुनिया के बड़े ज्ञान से, बड़े लोगों से, बड़े विद्यालयों से कोई संबंध नहीं आता है। वो अपने कर्म खेती है, गांव के रोजगार है, उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन उनमें भी जो रोज़ आने वाले जात पात के छुआछूत के नाम पर जो अलगाव की कड़ी होती है, उसके कारण देश की संस्कृति अखंडता को धक्का लगती है। उसे दूर करने में इस देश में हजारों सालों से अगर किसी ने कोई बड़ा काम किया है तो वो संत लोगों ने किया है। उसी में मैंने आपको लेटेस्ट नाम बताया, राम सुखदास जी महाराज जी। वैसे ही आपके काशी का केंद्र बनाकर रामानंद के 12 शिष्य लोग थे, उसमें मीराबाई भी आते हैं, कबीरदास भी आते हैं, सूरदास भी आते हैं, धन्नाजी आते हैं। वैसे ही कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर आते हैं, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर आते हैं, तुकाराम आते हैं, पुरंदरदास आते हैं, केरल में नारायण गुरु आते हैं, तिरुवल्लुवर आते हैं, रमण महर्षि आते हैं। इन सब लोगों का जीवन एक सामान्य जनता से नज़दीक रखते हुए समाज को एक बनाने का काम किया है। और उसी दिशा में आज की जो नई पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं उनको प्रेरणा देने की दृष्टि से सभी मानव जाति इतना ही नहीं सभी जीव से भी प्यार करने की प्रेरणा जो मैंने रमण महर्षि की उदाहरण देकर बताया,
ये हम सब में आएंगे, आएगा तभी हम इंसान कहने लायक बनेंगे। इस प्रकार का समरसता का जो काम संतों ने किया है, इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। इतना ही कहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। यहाँ के योगी महाराज इस बार जो अपने पूर्वजों के दो संतों के पुण्यतिथि 5वां और 50वां कार्यक्रम में बुलाया, ये बड़ा सौभाग्य रहा और मैं बड़ा आनंदित हूँ इस कार्यक्रम से।